ओके लाइफ के अगेंस्ट जब कोई निगेटिव बोलता है तो आप कभी रिप्लाई क्यों नहीं करते? लोग उम्मीद लगाते हैं कि हमारे सीईओ आएंगे कुछ रिप्लाई करेंगे, आपने कभी उनको कभी भी रिप्लाई नहीं किया, ऐसा क्यों? आपको क्योंकि मैंने देखा बहुत सारी बातें वो झूठ बोलते हैं, एटलीस्ट झूठ का तो आप रिप्लाई कर ही सकते थे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, झूठ और सच का फैसला कौन कर देता है? मैं बोलूंगा मेरी बातें सच होंगी या उनकी बातें सच होंगी, ये कैसे तय होगा? कुछ लोगों को मेरी बातें भी झूठ लग सकती है, कुछ लोगों को उनकी बातें भी सच लगती है, कुछ लोगों को मेरी बातें सच लगेंगी, उनकी बातें झूठ लगेंगी, दो धड़े तो फिर भी रह गए ना। क्या ऐसा हो सकता है कि 100% लोग मेरी बात को सच मान लें? नहीं। या ऐसा हो सकता है 100% लोग उसकी बात को सच मान लें, किसी की भी बात को? जब 100% लोग किसी की बात को सच मानेंगे ही नहीं तो उसका जवाब क्या देना है? ना उसकी बात को सच मानेंगे ना मेरी को मानेंगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि लेट इट ऑन टाइम, टाइम तय कर देता है कौन सच्चा था कौन झूठा था। जिसका जवाब समय के पास है उसका जवाब मुझे देने की जरूरत क्या है? जी 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 जी। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ओके लाइफ में लोगों के पेआउट्स गिरी हैं, इंडस्ट्री में भी बहुत सारे पेआउट्स लोगों के गिरे हुए हैं, इसके पीछे रीजन आप क्या मानेंगे? ये इंडस्ट्री जो चली है ये ट्रेनिंग्स पे, सेमिनार्स पे, मोटिवेशन पे चली हुई इंडस्ट्री है। लोगों को